Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केस से। 67 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 33 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 447। HKCCI का इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने वाला है 2021 और 23 के चलते। आए देखते हैं प्रशांत मनाकर इस पर क्या अपील कर रहे हैं और उनके पैनल के बारे में क्या बता रहे हैं। मैं सभी लोगों को एक गुजारिश करता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बहुत ही बिजनेस कम्युनिटी का जो एक संस्था है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स का या कोई भी जो है पॉलिटिकल इश्यूज लेकर हम फाइट नहीं करेंगे। हम जो भी मसला रखेंगे सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के, वही हम सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ भी जो है इसमें गवर्नमेंट को कोई इश्यूज हम डिस्कस नहीं करेंगे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। बाकी जो भी इश्यूज है हम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन रहेगा वो रोटरी स्कूल में रहेगा, वो 21 को होगा संडे के दिन, 8 से 5 में वोटिंग रहेगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे इस पैनल को सपोर्ट करने का एक गुजारिश करता हूँ। प्रशांत मानकर एंड पैनल, शुक्रिया। हमारे पैनल को पूरा सपोर्ट करके प्रशांत मानकर एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट है एंड ही इज रिलेटेड टू दी अवर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एंड वी होप he will work hard and get some most of the projects to the Kalburgi and we'll see the better developments in Kalburgi, Kalyan Karnataka region. विनती करता हूँ सभी को, आप हमारे पैनल के लोगों को वोट करके आप प्रचंड बहुमत से हमको जीता के लाना, मेरा ये विनती है आप लोगों से, धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि HKCCI के इलेक्शन चल रहे हैं, इस पर अमरनाथ पाटिल जो कि पिछली बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो इस बार वापस से कंटेस्ट कर रहे हैं, और उनके पैनल के बारे में और उनके बारे में लोगों का क्या कहना है और मेंबर्स का क्या कहना है, आइए नजर डालते हैं। याद रखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन यानी कि आज संडे 21 मार्च 8 बजे से लेकर शाम तक रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि कल आप सब वोट डालें, मुझे और मेरा पैनल को, पूरे टीम को आप जिताएं, और मैं वादा करता हूं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो चैम्बर को, मैं 24 घंटा आपके लिए मैं अपने दरवाज़ा खुला रखूंगा चैम्बर का, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सजेशंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो सुलझाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, और साथ ही साथ में गुलबर्गा और बढ़ने के लिए अभी हमारे कोशिश के वजह से तो मुंबई का अभी 25 तारीख से फ्लाइट चालू होने वाला है, और आगे भी मैं पूरे फाइनेंशियल जो भी कैपिटल से उधर सब एक हमारे से फ्लाइट जाने की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ICED इनलैंड कंटेनर डिपो जो हमने, हमारा मांग है जो 25 एकड़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी के साथ वो लोग वेयरहाउस के साथ आने वाले हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आ गए तो यहाँ पर जो जो भी है हमारा परिशेबल नॉन परिशेबल गुड्स इसको इंटरनेशनल मार्केट मिल जाएगा। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इलेक्शन रोटरी क्लब में होने वाला है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। आपका जो भी ID कार्ड हो या अपना चैम्बर इशू किए हुए ID कार्ड हो वो होना ज़रूरी है। 15 MC member में और 3 मुफसिल में आप वोट करें और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक चलाएं और सब कुछ हमारे पैनल को जीत दिलाएं, ये मेरा गुजारिश है आपसे। गुलबर्गा के लिए मैक्सिमम हम काम कर चुके हैं, ये पैनल से जो अमरनाथ पाटिल के साथ हम जो काम किए कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, ये हमारा एक वादा है। डेफिनेटली हम गुलबर्गा के एक, हम चाहते हैं कि डिवीजन में एक अच्छा खासा हमारा एक जिला बने। जमजम कॉलोनी में होने वाला है वेट एंड ड्राई गार्बेज के सेग्रीगेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हुए। मोहम्मद आसिम जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, साथ साथ कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स और एनवायरमेंट इंजीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो जमजम कॉलोनी की सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस सर्वे को और अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, उन्हें ढेर सारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बनाम सेल्फ रिलायंट विजन मैं एक ट्रस्ट भी चलाता हूँ, तो उसकी जानिब से मैं तमाम
रिहायशी हजरात जो जमजम कॉलोनी में रहते हैं उनसे गुजारिश है, कल बरोज इतवार सुबह 9 बजे एक कमिश्नर और सारे म्यूनसिपालिटी के अहदेदारान तशरीफ ला रहे हैं जमजम कॉलोनी को। डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेनिंग रखी जा रही है गार्बेज के मुतालिक, और लोग अपने मसाइल को किसी के सामने रखें और करेक्ट पर्सन के सामने रखें और अपने मसाइल को हल कर लें। आखिर में हम बात करने वाले हैं एरो हब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिनका ग्रैंड इनॉग्रेशन होने वाला है 22 मार्च को, और इसे वक्त देने के लिए आ रहे हैं कैप्टन जोया अग्रवाल और कैप्टन थनमय, जो कि हाल ही में सैन फ्रांसिस्को से लेकर बैंगलोर तक की दूरी तय की थी नॉर्थ पोल के ऊपर से 16,000 किलोमीटर। तो अगर आप एविएशन में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इससे सेमिनार को अटेंड करें, और इस मामले में तौसीफ रहमान और शाकिर क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। Hi Kalburgians, this is Mohammad Tawseef Rahman Lakhpati, founder and chief executive officer of Aerohub Aviation and Engineering Private Limited Company. 22nd March के दिन हम लोग ने अपना inauguration plan किया है, और इस time हम एक history बनाने वाले हैं, क्योंकि Captain Zoya Agarwal और Captain Papagiri Tanmay आने वाले हैं, जो कि North Pole San Francisco to Bangalore 16,000 kilometers जिन्होंने fly किया है, वो भी all women pilots. बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही है वो अपना कीमती वक्त हमें देने वाले हैं 22nd March 2021। याद रखिए 22nd March 2021 एग्जैक्ट 1:30 PM एट Aerohub Aviation Company MG Road बिसाइड अलबैग कलबुर्गी। इन दिस सेमिनार वी हैव इनवाइटिंग अवर हायर डिग्निटरीज ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल्स एंड DGCA ऑफिशियल्स एंड एयर इंडिया कैप्टन रिटायर्ड एंड कंपनी CEOs। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस सेमिनार को ज्वाइन करेंगे और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह के सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि Aerohub का ग्रैंड इनॉग्रेशन होने वाला है 22 मार्च को दोपहर 1:30 बजे, और वक्त देने के लिए आ रहे हैं दो ऐसे टॉप पायलट्स जो कि आसमानों की वो रानी है, आसमानों पर राज करती है, और उन्हें जमीन पर आज काबू पाया गया है थैंक्स टू दिस टू जेंटलमैन जिन्होंने ये पॉसिबल किया है। Aerohub Aviation कंपनी ने ऐसे दो टॉप पायलट जो कि सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर आए हैं, नॉर्थ पोल के 16,000 किलोमीटर उन्होंने तय करके वो यहाँ पर आए हैं। पासेस आपको फ्री में मिलेंगे, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करें। और आई थिंक ज्यादा डिटेल्स तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच। आपने तौसीफ साहब की और शाकिर साहब की ऑलरेडी आपने इंटरव्यू और बाइट देख चुकी है, तो प्लीज इसे मिस ना करें, फॉरन अटेंड करें। थैंक यू सो मच। अपने घर वालों को आप दो चीज जरूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं, करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगन एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगन एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड। रीगन एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है, शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहां पर मौजूद हैं, और ये लेआउट NA और कूडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे है इस प्रोजेक्ट से, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छी चीज है, और इसीलिए रीगल एनक्लेव। इसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज क्या क्या है, RCC ओपन ड्रेन, UGD वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कूडा अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें, और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हां, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।